हेलो फ्रेंड, स्वीटी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आलू और अदौड़ी की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। इसको आप बड़ी भी बोलते हैं, ये उड़द की बड़ी है। हम लोग पहले कढ़ाई में 4 चम्मच तेल लिया है और मैं पहले बड़ी को और आलू को दोनों को फ्राई करूँगी। मेरा ये बॉयल आलू है, तो आलू को मैं तेज आंच पे ही फ्राई करूंगी क्योंकि ये बॉयल है, तुरंत ही फ्राई हो जाएंगे। और अदौड़ी को मैं धीमे आंच पे फ्राई करूंगी। देखिए, मेरा ये आलू अब फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकालूंगी। मैं इसमें बड़ी डालूंगी। और बड़ी को भी धीमी आंच पे फ्राई कर लूंगी गोल्डन। ये देखिए, मेरा अदौड़ी भी फ्राई हो चुका है। मैंने इसको गोल्डन फ्राई किया, आलू और अदौड़ी को। अब मैं कढ़ाई में 4 चम्मच के करीब तेल रखा है और थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, 1/2 स्पून। थोड़ा सा चटकने लगेगा तो थोड़ा सा हरी मिर्च डाल रही हूँ। इसमें 2 हरी मिर्च है, ये स्लाइस किए अनियन है, ये 2 अनियन बड़े अनियन है, इसको भी मैं डाल दूँ। अब मैं इसको पिंक कलर होने तक भूनूंगी, जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। ये प्याज मेरा थोड़ा फ्राई हो चुका है। अब मैं उसमें 1 तेज पत्ता डालूंगी और 2 सूखे मिर्च, इसको भी डाल के मैं भूनूंगी। और 1 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सबको मिला के मैं भूनूंगी। मैं इसमें 1 टमाटर भी डाल के और इसी के साथ भून लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, जिसमें नमक है, जो आप अपने टेस्ट के अनुसार सर्व कर डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये रेड चिली है, कूटी रेड चिली है पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ये जीरा पाउडर है जो 1/2 स्पून है, कोरिएंडर है ये भी 1/2 स्पून। अब इन सब डाल को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको भी मसालों के साथ अच्छे से धीमे आंच पर भूनेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड किया है और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच टाटा संपन्न का गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। और फिर इसको भी मिक्स करके भुनेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर हमारी सब्जी का बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ। ये देखिए, मेरा ये ग्रेवी अब बन के रेडी हो गया। अब मैं इसमें ये बड़ी और आलू दोनों एक साथ डाल के इसको भी 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना ताकि मसाले पूरे बड़ी और आलू दोनों पे अच्छे से मिक्स हो जाए। आंच को धीमी रख ले और कढ़ाई को आप कवर कर दें। कढ़ाई को कवर कर दे। ये देखिए, मेरी अब सब्जी बन के रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो ग्रेवी इतना भी रख सकते हैं या थोड़ा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और थोड़ा धनिया पत्ता है वो भी डालूंगी। मैं थोड़ा सा 1/2 कप पानी ऐड किया है और इसमें धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ। मेरी सब्जी अब रेडी हो गई। इसको आप रोटी और राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।